दान की क्या महिमा है और दान कौन से समय में दिया हुआ दान कितना गुना फलप्रद होता है, तो उसमें प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, श्रद्धया दीयते दानम, जो श्रद्धा से दिया जाता है वही दान सफल होता है। दान को हमेशा श्रद्धया दीयते, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए। तो महाराज कौन सा दान सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हमने तो सुना है अन्न दान सबसे बड़ा होता है, कहीं लिखा है कन्यादानम महादानम, कन्यादान सबसे बड़ा होता है, सर्व कहीं लिखा है विद्यादानम विशिष्यते, विद्यादान सबसे बड़ा होता है। तो महाराज ये तो बता दीजिए वास्तव में दान बड़ा कौन सा होता है। तो ऋषि कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार जो दान दिया जाता है वही दान सबसे बड़ा हो जाता है, महादान हो जाता है। कैसे, जैसे कि मैं तो आपके घर में गया, बड़ा भूखा था, दोपहर के समय मैंने कहा जरा मुझे भोजन करा दो, पर आपने मुझे कंबल उड़ा दिया, वस्त्र दान दे दिया, तो वो दान कूड़ा हो गया, आपका बेकार हो गया। उस समय तो अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो अन्नदान यदि आपने कर दिया तो अन्नदानम महादानम न भूतो न भविष्यति, उस समय अन्नदान ही सबसे बड़ा दान बन जाएगा। और यदि कोई सर्दी के समय में दिसंबर नवंबर में कोई आप जा रहे हैं सड़क के किनारे और कोई ठिठुर रहा है, उस समय अगर उसको आपने 100-200 रुपए का कंबल प्रदान कर दिया, क्योंकि कई लोग ऐसे कई बार अखबार में ऐसे देखने को मिलता है कि जिस समय हम गाड़ी में 10 बजे जा रहे थे उस समय जो कोई बाबा या कोई भी भिक्षुक वहाँ पर ठंड से ठिठुर रहा था, अगले दिन अखबार में आया कि घंटाघर के उधर जो बाबा रहता था वो मर गया, तो जरा सोचिए। और उसकी उस पर आपकी भी दृष्टि पड़ी थी एक दिन पहले, जरा सोचिए 150 रुपये के कंबल के कारण यदि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है और उसकी मौत हो जाती है तो क्या उसके दोषी हम नहीं बनेंगे। एक 150 रुपये के कारण कोई अपने प्राणों का त्याग कर देता है, देह त्याग कर देता है, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा। तो वहाँ पर वस्त्र दान ही महादानम, वस्त्र दान ही श्रेष्ठ कहलाएगा। दान कई प्रकार के होते हैं, विद्यादान भी श्रेष्ठ है। क्या कहा कि सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं विशिष्यते अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावज्जीवन्तु वेद्यया। बोले सभी दानों में विद्यादानम विशिष्यते, विद्यादान ही श्रेष्ठ है। क्यों, बोले अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवन्तु विद्या, क्योंकि अगर आपने किसी को अन्नदान कर दिया तो बोले वो 3 घंटे के लिए ही अपनी भूख मिटा सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को विद्यादान कर दिया तो उस विद्या के बल पर वो जीवन भर अपने पेट की भूख मिटा सकता है। इसलिए माताओं विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है। विद्यादान से तात्पर्य है कि देखो किसी को सद उपदेश दे देना ये भी विद्यादान है, कोई कुछ पूछ रहा है उसका मार्गदर्शन कर देना ये भी विद्यादान के ही अंतर्गत आता है, किसी को सन्मार्ग बता देना ये भी विद्यादान के ही अंतर्गत आता है। विद्यादान का मतलब यही नहीं होता कि कॉपी पेन लेके आप उसको पढ़ाओ, विद्यादान का मतलब आपके शब्दों से, शब्द ही तो विद्या है, आपके एक एक शब्दों से यदि किसी का मार्गदर्शन हो जाए तो ये भी विद्यादान है। तो यहाँ से व्यासपीठ से विद्यादान ही तो हो रहा है, विद्यादानम विशिष्यते। तो इसलिए कई यहाँ पर टीचर भी बैठे होंगे, भगवान ने हमको जो योग्यता दी है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ टैलेंट तो सबके अंदर होता है, तो आपको भगवान ने जो योग्यता दी है आप उस योग्यता को थोड़ा सा अंश यदि भगवत सेवा में लगा दोगे, समाज सेवा में लगा दोगे, तो आपको बहुत भारी कष्ट भी नहीं होगा कि मुझे इतना बड़ा कोई त्याग करना पड़ा, और आपका बहुत बड़ा काम भी बन जाएगा और महादेव बड़े प्रसन्न होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि यदि आप अध्यापक हैं तो आजकल बिना ट्यूशन के तो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, तो यदि आप अध्यापक हैं और आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, 50 बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, तो आप 5-7 बच्चे ऐसे ढूंढिए जिनके माता पिता पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते, 5-7 बच्चे ऐसे ढूंढिए जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना धन नहीं है, तो 50 के बीच में अगर 7-8 बच्चे भी पढ़ लेंगे तो आपका कुछ बहुत बड़ा
भारी बल थोड़ा ही लगेगा, कोई धन थोड़ा ही लगेगा, लेकिन आप महादेव की प्रसन्नता के पात्र हो जाएंगे। इसलिए आपको भगवान ने जो दिया है उसमें से यदि आप भगवान को देते हैं तो आपको कष्ट भी नहीं होगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे कि कोई कारपेंटर है, लकड़ियों का काम करता है, तो ठीक है वो वैसे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अपने गांव में जो मंदिर है, कभी आवश्यकता पड़ी कि भैया एक दरवाज़ा बनाना है, तो आराम से वो कोई खरीद के तो लाना नहीं है उसको, तो वहीं से अगर देगा तो उसको बहुत भारी कष्ट भी नहीं होगा, उसका काम भी हो जाएगा। तो जिसके पास जो योग्यता है, किसी का पत्थर का काम है तो मंदिर में पत्थर लगवा दे, आदि आदि। तो बहानेबाजी नहीं, आपके अंदर जो योग्यता है आप करिए समाज के लिए, क्योंकि समाज का भी हमारे ऊपर ऋण होता है। समाज के ऋण से उऋण होने के लिए समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए छोटी छोटी समितियां बनाओ, गांव में क्या चीज क्या नहीं है, कभी वृक्षारोपण करो, कभी कुछ करो, ये सब चीजें हमको देखनी चाहिए। तो ये दान के विषय में बताया, तो बोले एक दान है वृक्षदान। क्या दान है? वृक्षदान। वृक्षदान भी बहुत श्रेष्ठ दान है। वृक्षों की इतनी महिमा कही गई है, नमोस्तु वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः। जो ये वृक्ष हैं ये हरिकेशेभ्यः अथवा हरकेशेभ्यः, ये हरि के भी केश हैं और हर भगवान शंकर के भी केश हैं। ये जो वृक्ष हैं क्या हैं? ये भगवान के बाल हैं। इसलिए कहीं भी वृक्ष लगा देना वो भगवान का श्रृंगार करने के समान पुण्य लगता है। क्या लगता है? श्रृंगार का पुण्य लगता है। तो इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कुछ वृक्षों के विषय में, अभी स्कंद पुराण का एक श्लोक अभी मेरे पास इस समय तो नहीं है, एक वीडियो YouTube में डाली है, उसमें वो श्लोक है, उसका आप अर्थ देख सकते हैं, बहुत सुंदर अर्थ है उसमें। और उन श्लोकों को देखकर लगता है कि ऋषियों ने समाज के हित को देखकर ये धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं। उस श्लोक में यमराज अपने दूतों को बुलाकर कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 5 पीपल के पेड़, 5 बड़ के पेड़, 5 इमली के पेड़ और उसमें कुछ अलग अलग संख्या है, संभवतः मुझे पूरा एकदम पता नहीं है, उसमें एक इमली, उसमें 2-3 पेड़ इमली के भी हैं, उसमें संभवतः 3 पेड़ उसमें नीम के हैं और एक चिड़चिड़ा का पेड़ लिखा है उसमें, अगर ये कोई लगा दे अपने जीवन में तो यमराज अपने दूत से कहता है उसको मेरे नरक में कभी मत लेकर आना, वो नारायण के धाम में जाने का अधिकार है, वो महादेव के चरणों में जाने का अधिकारी है। तो इसलिए हरेला पर्व चल रहा है, जितना अधिक हो सके वृक्षारोपण भी आपको करना चाहिए। वृक्ष कन्यादान भी बड़ा श्रेष्ठ है। दान का अर्थ होता है त्याग। दान का अर्थ क्या होता है? त्याग। आजकल एक पाश्चात्य संस्कृति वालों ने एक बड़ा मैसेज फैलाया हुआ है कि कन्यादान, बोले कन्या भी कोई दान करने की चीज है। अब जो दान, वो उन लोगों को दान शब्द की व्यापकता क्या पता, जो ऐसे ग्रंथों को नहीं पढ़ने वाले महामूर्ख होते हैं, और फिर वैसे बेचारे हमारे सीधे सच्चे लोग, सनातनी लोग भी फिर फंस जाते हैं। हाँ बात तो सही कर रहे हैं, बोले कन्या भी कोई दान करने वाली चीज़ है, कोई वस्तु है कन्या, ऐसा कहकर अपने ही धर्म का उसका मूल तत्व ना जानकर, मूल स्वरूप ना जानकर उसका ही उपहास करने लगते हैं। अरे दान शब्द का अर्थ ये नहीं है कि किसी को भी कोई भी चीज़ आप ऐसे उठाकर पटक दो। दान का अर्थ है त्याग।